करनाल में राइस मिल के टैंकर में कपड़ा फंस जाने से एक मजदूर का सिर टैंकर से टकरा गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राइस मिल में लगे इस टैंकर का ढक्कन खुला हुआ था, जिस कारण यह हादसा हो गया। मृतक नरेश के परिजनों ने बताया कि नरेश बजीदा राइस मिल में पिछले काफी अरसे से कार्य कर रहा था। वह राइस मिल के टैंकर की जांच करने पहुंचा तो वहां पर टैंकर में कपड़ा फंस जाने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि राइस मिल की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, क्योंकि नरेश व अन्य मजदूरों द्वारा टैंकर को ढकने के बारे में राइस मिल मालिकों को बार बार कहा गया था, परंतु टैंकर को ढका नहीं गया, जिससे यह हादसा हो गया और उसमें नरेश ने अपनी जान से हाथ धो दिए। वहीं गांव के सरपंच ने कहा कि इस मामले की पुलिस को सूचना दे दी गई है और राइस मिल के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि मृतक अपने पीछे दो बच्चे छोड़ गया है। इस हादसे से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए शव को कब्जे में लेकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में रखवा दिया है और इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। पे कवर होता है, वो उसके ऊपर कवर नहीं था, बता ही रहे हैं। पहले भी कर्मचारियों ने कंप्लेन की हुई है कि ऐसा हादसा ना हो, उसकी वजह से कवर होना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, ना तो मिल मालिक अभी तक हमें मिलने आए, या उसके परिजनों से नहीं मिले हैं, ना ही कोई बात हुई अभी तक। तो यही है कि हमें FIR करवाई है कि लापरवाही की वजह से। पुलिस हमारी यहाँ पे आई हुई है और मौका देखने के लिए भी गई हुई है, अभी देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। प्रवीण राणा 1/17 रात हमारे को लगभग 8:30 बजे की कोई सूचना मिली है कि ऐसे ऐसे मिल में एक हादसा हो गया है नरेश के साथ। तो जैसे उसके बाद फिर हम सभी वहाँ पे गए, वो तब तक उसको लेकर लाइफ केयर हॉस्पिटल में आ चुके हैं। तो फिर उसके साथ ही हमारा एक लड़का नरेश के साथ जो काम करता था अभिमन्यु, उसने बताया कि वो नरेश मेरे साथ प्लांट में हेल्पर का काम करता था। उनकी कोई एलिवेटर की कोई मोटर होती है जो चावल को नीचे से लेके ऊपर तो जाती है, जो ऊपर एक टैंक होता है वो भर जाता है तो उसको खाली करते हैं। तो उसको देखने के लिए गया था कि वो जो टैंक है वो भर गया है या नहीं। तो वहाँ पे एक मोटर है, एलिवेटर की जो मोटर है, वो नीचे से जैसे चावल को उठाती थी तो मोटर का जो पंखा ओपन था, वो कोई मतलब उसमें कवर नहीं था और वहाँ की जो जंग है वो पूरी तंग है, तंग जंग में उसने जैसे ही मतलब उसको वहाँ से निकलने लगा तो उसमें जो कोई मफलर वगैरह उसके गले में था या जैसे था, तो वो उस पंखड़ी में उलझ गया। जो मोटर की पंखड़ी थी उसमें उलझने के कारण वो जो था उसका गले में लिपट गया और जिसके कारण उसका वहीं पे वो गर्दन मतलब घुट गया उसके दम। उसके बाद वो फिर मिल में वहाँ बता रहे हैं कि कर्मचारी जो थे उसको लेकर लाइफ केयर हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जो अपने सीनियर डॉक्टर ने उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया और उसके बाद फिर वो यहाँ से सिविल हॉस्पिटल में लेके आ गए और फिर रात को ये सब मर्चरी हाउस में रखवा दिए। फिर उसके बाद हम सभी अपना मधुबन थाना में गए, पहले नहीं राइस मिल में गए। राइस मिल में हमने देखा कि ऊपर चढ़ के जहाँ पे वो ड्रम था, जो हादसा हुआ है मौके पे, वहाँ पे जो पंखड़ी में वो जो मफलर था वो अटका हुआ था और जिस वजह से ये हादसा हुआ था। जो देखा जंग है वहाँ पे, जंग इतनी तंग थी कि बहुत ज़्यादा, कि मिल में अक्सर होता भी होगा तो कैसे। तो जैसे ये हादसा हुआ फिर वो सारा मौका देख के हम मधुबन थाना में गए और वहाँ पे हमने FIR दर्ज कराई। अब इसमें देखने वाली बात यह है, जो अगर उस मोटर को कवर किया होता, उसमें जो पंखा लगे होता अगर उसको कवर किया होता तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो ये यहाँ पे जो सारी जो लापरवाही है वो मिल मालिक की है। और जैसा कि हमारे को बताया गया कि इसके बारे में हम तो मिल मालिक को पहले भी कंप्लेन कर चुके थे कि इस पे कवर लगवा दिया जाए, लेकिन उसकी तरफ किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तो क्या मुलाकात वगैरह हुई की है मिल मालिक ने परिवार के लोगों से, या किसी मैनेजर ने बातचीत की? नहीं, मिल मालिक ने अभी कोई बात नहीं की, बट मिल के अपना राइस मिल के जो कर्मचारी यहाँ पे आए थे और वो हमारे को मिले थे यहाँ पे, तो लाइफ केयर हॉस्पिटल में भी वही लेके आए थे, लेकिन उसके बाद मतलब अपना और कोई बात नहीं हुई, तो वो रात को फिर अपना चले गए। आपका नाम? प्रवीण राणा, 1/17 चांदनी।